ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. सो वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ नंबर्स. सो देखिएगा, इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में. विल डिस्कस अबाउट इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स देखिए, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था. पहले तो सब समझिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स का फॉर्म आप लिखते थे ऐसे, ए बाई बी की फॉर्म में नंबर्स हो, बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर. हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन. ये इसका लोएस्ट फॉर्म होता था. जैसे आप समझिए, वन बाय टू है, ये एक रैशनल नंबर है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. लेकिन इसके इक्विवेलेंट फॉर्म क्या आ सकते हैं वन बाई टू के? टू बाई फोर, थ्री बाई सिक्स. लेकिन इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या है? वन बाई टू. तो प्लीज डू, वी विल रेफर टू द लोएस्ट फॉर्म. ओके, दूसरा हमने रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़ा था. डेसिमल में हमने क्या पढ़ा था? डेसिमल एक्सपेंशन में या तो हमारे पास क्या था, फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा हमारे पास था डेसिमल पार्ट जो कि था नॉन टर्मिनेटिंग. एंड रिपीटिंग, इसका एग्जाम्पल फाइनाइट वाले का जैसे 1.2 हो गया, 2.3 हो गया. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाला जैसे आपका ऐसे आ गया 1.8888 एंड सो ऑन. तो ऐसे को हम लिख देते थे 1.8 बार. अब इरेशनल नंबर्स क्या होते थे? इरेशनल नंबर बेसिकली वो नंबर जिनको आप विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए बाई बी. बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर इंटीजर. और इसका क्या होता था डेसिमल के फॉर्म में? इसको हम कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिअकरिंग या नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन जैसे 1.01001 0001 0001 0001, लाइक दिस ऐसे चलता जाएगा. तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे. जैसे क्वेश्चन है नंबर वन, प्रॉब्लम पार्ट, नंबर वन, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. हम इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे. प्रूफ देख लीजिएगा. If possible, suppose root 2 is rational, is a rational number. अगर ऐसा है तो this will imply this root 2 can be written as in the form of a by b and where a and b do not have any common factor.
that is you can say that A and B do not have common factor except one. तो अब हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं. तो 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. दिस विल इंप्लाई 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अब इसका मतलब क्या आ गया, a इज अ मल्टीपल, ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2. दिस विल इंप्लाई ए स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2. दिस विल इंप्लाई 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. तो नाउ यू कैन से दैट इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन दिस विल इंप्लाई 2 डिवाइड्स ए एज वेल. इसका मतलब ए क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू सम 2c फॉर सम c. तो आप लिख सकते हैं दिस विल इंप्लाई ए स्क्वायर आ गया आपके पास 4c स्क्वायर. Now we had a square was equal to 2b square. This will imply substitute the value of a square here. 4c square is equal to 2b square. This will imply you can say that b square is equal to 2c square. This will imply b square is a multiple of 2. This will imply 2 divides b square. This will imply 2 divides b. Now, which is a contradiction? Why? Because 2 divides a and 2 divides b. But A and B was not having any common factor except one. Now why we got the contradiction? So this will imply root 2 is irrational number. Now, similarly, one can do another problem. Root 3 is an irrational number. वही same तरीका. हमने मान लिया कि let root 3 is a rational number. Proof के तौर पे देख लीजिएगा. This will imply root 3 is equal to a by b. Squaring कर लीजिएगा. 3b square is equal to a. This will imply a is a multiple of 3. Sorry, a square is a multiple of 3. Is a multiple of 3. This will imply a divide 3, sorry 3 divide से उल्टा हमने लिख दिया. This will imply 3 divides a square. This will imply 3 divides a. अब ऐसा है तो इसका मतलब क्या आ गया, a 3 का multiple आ गया. This will imply a is a multiple of some 3k. Now ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9k स्क्वायर. नाउ सी वी वर दिस रिलेशनशिप 1 एंड दिस हैज 2. सो फ्रॉम 1 एंड 2 नाउ 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर. दिस विल इंप्लाई b स्क्वायर इज इक्वल टू सम 3k स्क्वायर. दिस विल इंप्लाई b square is divisible by 3 or is a multiple of 3.
this will imply, you can say that 3 divides b square, this will imply 3 divides b. इसका मतलब क्या आ गया, b is a multiple of 3, so which is a contradiction again, which is a contradiction to the fact that a and b were not having any common factor except one. So therefore root 3 is irrational number. Now we'll do one more problem of some special type. Suppose the question is prove that. देखिए आपने पढ़ा होगा कि product of non-zero rational number and irrational number is irrational. The problem is prove that 3 root 2 is irrational number. तो इसको भी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे. देखिएगा जरा कैसे करेंगे. हमने मान लिया इफ पॉसिबल सपोज थ्री रूट टू इज रैशनल, तो दिस विल इंप्लाय ये a बाई बी मस्ट बी इक्वल टू थ्री रूट टू. दिस विल इंप्लाय a upon 3b is equal to root 2. Now see, a by b rational hai, is rational. Then this will imply a upon 3b is also rational. So this will imply root 2 is rational because a upon 3b was equal to root 2, which is a contradiction. We have already proved that, which is a contradiction. So hence 3 root 2 is irrational. Now we have another question that we are going to deal with it. Question of this is a question from NCERT. The question is prove that 5 minus root 3 is an irrational number. वैसे तो देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा इरेशनल ही आएगा, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे. इफ पॉसिबल सपोज फाइव माइनस रूट थ्री इज रैशनल नंबर, तो दिस विल इंप्लाई इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए बाई बी. Can we write this as root 3 is equal to 5 minus a by b? This will imply root 3 is equal to 5b minus a upon b. अब एक बात बताइएगा जरा, 5b upon minus a upon b is a rational number? Because a and b are integers, so therefore root 3 is rational, which is contradiction. So hence 5 minus root 3 is rational.
Now we'll do one more special problem based on this concept. Let us discuss that. Now sum of two irrational numbers के बारे में आप क्या कहेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा. What can you conclude about sum of two rational numbers? What can you say about it? Okay. My question is, problem is like this. Root 2 plus root 5 is irrational number. ये हमें प्रूव करना है. तो वही कॉन्ट्राडिक्शन से कर लिया. इफ पॉसिबल सपोज रूट टू प्लस रूट फाइव इज रैशनल, नाउ दिस विल इंप्लाई ए बाई बी की फॉर्म में आ जाएगा और ए और बी के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. नाउ व्हाट आई विल डू हियर, आई कैन राइट ए बाई बी माइनस रूट टू इज इक्वल टू रूट फाइव. नाउ स्क्वायरिंग. Okay, if I do the squaring part here, now see what is going to happen. It is a by b minus root 2 whole square is equal to root 5 whole square. Now this will imply if I do the squaring part, then this will imply that we will be having a square by b square plus 2 and then we will be having minus 2 a by b root 2 equal to 5. Now this can be written like this. A square by b square plus 2 minus 5 is equal to 2a root 2 by b. Now see what is going to happen, which is this will imply, which is equal to a square plus b square minus 3 is equal to 2a by b into root 2. Now if I further solve it, now see what is going to happen. This will imply a square minus 3b square upon b square is equal to 2a upon b by root 2. Now see, b se b cancel ho gaya. Now the next we will be having a square minus 3b square upon 2ab is equal to root 2. Now this will imply, अब आप देखेंगे LHS is a rational number. Why? Reason is very specific. Because a and b are integer. This will imply a square minus 3b square upon 2ab is a rational number. This will imply root 2 is rational, which is a contradiction. Which is a contradiction. Hence, root 2 plus root 5 is an irrational number. Now see, what is the next problem, students? The question is, it is a typical problem. Prove that
prove that root n minus 1 plus root n plus 1 is rational number. Irrational number. It is an irrational number for any n. Is irrational number for any positive integer n. Now see, हम भी यहां method of contradiction से ही करेंगे. If possible, suppose root n minus 1 plus root n plus 1 is a rational number. तो इसका मतलब तो क्या आएगा? This will imply it can be expressed in the a by b form. N minus 1 plus root n plus 1. Now, तो b by a हमारे पास आ जाएगा 1 by root n minus 1 plus root n plus 1. इसको rationalize कर लेते हैं. We did the rationalization part here. So we will be having root n minus 1 minus root n plus 1 is equal to n minus 1 minus n minus 1. So this will imply b by a is equal to root n plus 1 minus root n minus 1 upon 2. हमने minus sign adjust कर दिया है. And this will imply 2b by a is equal to n plus 1 minus root n minus 1. Okay. Now see, if I take this as my equation 1 and this as my 2, if I add them 1 plus 2, now see what is going to happen. Adding and then subtracting. We'll do the both part. So first we are doing the adding part. A by B plus 2B by A will be equal to 2 times of root n plus 1. Now let it be third equation. And then subtracting. 2 from 1. So then we will be having a by b minus 2b by a is equal to 2 times of root n minus 1. Let it be 4. Now, this will imply, now try to understand it. This shows that this will imply root n plus 1 will be equal to a by 2b plus b by a. Or rather than this, which is equal to a square plus 2b square upon 2ab. And this will imply root n plus 1 is a rational number. Similarly, we can write a by 2b minus b upon a is equal to root n minus 1. That is a square minus 2b square upon 2ab, which is equal to root n minus 1. देखिए ये reasoning क्या है यहाँ पर क्या है? Because a and b are integers. Now this will imply, this will imply root n minus 1 is rational.
अब एक बात समझिए, दो रैशनल नंबर्स का सम क्या आता है? रैशनल नंबर्स आता है। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया कि रूट एन प्लस वन एंड रूट एन माइनस वन आर रैशनल। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात समझिएगा जरा, अगर ऐसा है तो देन आई कैन से दैट एन प्लस वन एंड एन माइनस वन आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये क्या आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? टू परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज डिफर एटलीस्ट बाय थ्री, बिकॉज दीज आर रैशनल नंबर्स एंड इनफैक्ट रादर देन दिस दीज आर रैशनल नंबर्स बट ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज नॉट पॉसिबल। Why? Because two perfect square differ at least by three. Two perfect squares differ by at least three. जैसे आप समझ सकते हैं, कम से कम तीन का difference जरूर होगा किन्हीं भी दो perfect squares में। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हैंस रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इट इज नॉट रैशनल लाइक दिस। इफ इट इज नॉट रैशनल देन ऑब्वियसली इट इज समथिंग एल्स। Okay, so it is irrational number rather than this. Okay, so that's the end of this lecture.